दोस्तों, अगर आपको रेडमी नोट 5 प्रो में MIUI वर्सन 9.2 स्टेबल अपडेट 9.2.30.0 का अपडेट आया है तो रुको, इसे अपडेट मत करना। पहले आप ये वीडियो को पूरी तरह देख लें, उसके बाद ही आप उस वीडियो को अपडेट करना। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या इसमें कोई बग है या ये बग फ्री है, स्टेबल अपडेट है। तो जानने के लिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट एंड इस वीडियो को देखें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या इस वीडियो में कोई बग है या फिर ये स्टेबल अपडेट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट से तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये अपडेट क्या बग फ्री है, क्या ये कब स्टेबल अपडेट है या फिर इसमें भी कोई बग है। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लें। दोस्तों, ये जो अपडेट आप देख रहे हैं रेडमी नोट 5 प्रो के लिए, मॉडल नंबर जो है रेडमी नोट 5 प्रो, जो सिस्टम अपडेट आया है, और जो ये सिस्टम अपडेट आया है 9.2.13.0, जो स्टेबल अपडेट शाओमी की तरह से बताया जा रहा है, जिसकी साइज है 1.7 GB की, और इसमें जो वर्सनिंग में जो बताया जा रहा है सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव स्किल लाइट एडजस्टमेंट, और जो फिक्स किया गया हुआ इनवैलिड कॉन्टेक्ट रिंग्स। ठीक है, तो ये जो अपडेट है शाओमी की तरफ से, ये चौथी बार इस अपडेट को रोल आउट किया गया है। इससे पहले 3 अपडेट को शाओमी ने रोल आउट किया और तीनों अपडेट को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो 9.2.7 के बाद शाओमी ने जो पहला अपडेट दिया था वो 9.5.6 का था, जो एंड्रॉयड 8.1 ओरियो बेस्ड पे था, बट उसमें कुछ कैमरा बग था, स्टेबिलिटी इशू था, तो शाओमी ने उसे रिमूव करके अगले दिन एक नया बिल्ड दिया MIUI 9.5.11 का, और ये बिल्ड भी एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पे बेस्ड था, पर इसे भी शाओमी ने रिमूव कर दिया, इसमें भी कुछ बग था। इसके बाद से फिर शाओमी ने एक अपडेट दिया 9.2.11 का, जिसे जो अपडेट देने का आधे घंटे के बाद ही शाओमी ने इसे रिमूव कर लिया। और दोस्तों, ये चौथा अपडेट है जो शाओमी अपडेट दिया है 9.2.13.0 का। अब देखते हैं कि क्या शाओमी इसे अपडेट कर पाता है, और क्या जो इसकी जो बग था अपडेट में, प्रीवियस अपडेट में जो बग था, क्या उसको शाओमी फिक्स कर पाता है। ऐसा लग रहा है कि शाओमी जो अपडेट दे रहा है, जैसे शाओमी अपने फ्लैश सेल में अपने डिवाइस को सेल करते हैं, सेल कब आता है कब जाता है कुछ समझ में नहीं आता है, शाओमी वैसा ही कर रहा है अपने अपडेट के संग में, नोट 5 प्रो के अपडेट के संग में। कौन सा बिल्ड कब आया, कौन सा बिल्ड कब गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपडेट आता है, रिमूव होता है, सस्पेंड होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं इस बिल्ड में शाओमी क्या करता है। और ये तो लग रहा है MIUI 9.2.13.0 जो अपडेट है, ये एक नुगट बेस पे अपडेट है। खैर, हम लोग इसे अपडेट कर रहे हैं, देखते हैं अपडेट के बाद से फिर क्या होता है। तो ऐसे आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे डाउनलोडिंग जो है हम लोग का 99% हो गया है। 100% के बाद हम लोग इसे अपडेट करके चेक करेंगे। डिक्रिप्टिंग हो रहा है,
डाउनलोड हो गया, रिबूट के लिए बोला जा रहा है, तो इसे रिबूट करके हम लोग चेक करेंगे। तो दोस्तों इसे रिबूट करके चेक करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे, क्या जो ये जो अपडेट आया है ये स्टेबल है या फिर इसमें भी कोई बग है। फिंगर क्रॉस्ड कि इसमें कोई बग ना हो। बस स्वामी से हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि स्वामी ऐसा अपडेट देता है। स्वामी प्लीज अपने डेवलपर टीम से बात करो कि वो ऐसा अपडेट क्यों रोल आउट कर रहा है जिसमें बग ही बग है। अपडेटिंग मी वाई डोंट रिबूट द डिवाइस। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो Redmi Note 5 Pro है वो अपडेट हो चुका है। सिस्टम अपडेट में जब आप चेक करेंगे, सिस्टम अपडेट में जब हम चेक करेंगे तो जो MIUI वर्सन है 9.2.13.0 का स्टेबल अपडेट है, और WatchMe में जब चेक करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन है, इम्प्रूव स्क्रीन लाइट एडजस्टमेंट फंक्शन, और जो फिक्स किया गया है वो इनवैलिड कॉन्टेक्स्ट रिंगटोन, यानी जो हम लोग कोई स्पेशल रिंगटोन हम लोग किसी कॉन्टेक्ट में सेट करते थे तो वो एरर होता था, उसमें उस अपडेट को इसमें फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो तो मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट होने के बाद इसमें जो स्टेबिलिटी है, जो जो प्रीवियस बग था कैमरा का, क्या वो स्टेबल हुआ या नहीं हुआ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा ओपन करके, पहले फोकसिंग में इशू था लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से ये फोकस कर रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ पर फोकसिंग में इशू आ रहा है। आप देख सकते हैं मैं टैप टू फोकस कर रहा हूँ पर ये काम नहीं कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों ये जो है ये टोटल पूरा मैनुअल फोकस कर रहा है, इसमें ऑटो फोकस काम नहीं कर रहा है। मैंने अपने उंगलियों को फोकस पे रखा था और ये उंगली को मेरे उंगली को फोकस पे रखा हुआ है। मैं जब अपना हाथ हटा रहा हूँ तो भी ये आउट ऑफ फोकस है, जब मैं अपना हाथ ला रहा हूँ तो ये फिर भी मेरे हाथ को ही फोकस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी ये फोकस कर रहा है। अभी भी थोड़ा फोकस में इशू है, पोर्ट्रेट मोड में देखते हैं। पोर्ट्रेट मोड में फोकस हो रहा है पर फोटो मोड में अभी भी फोकसिंग का इशू है, ये कभी काम कर रहा है कभी काम नहीं कर रहा है, कभी फोकस हो जा रहा है कभी आउट ऑफ फोकस रह रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कभी ये फोकस कर ले रहा है और कभी ये फोकस नहीं कर पा रहा, जैसा कभी आप देख रहे हैं ये फोकस नहीं कर पा रहा है। मैं जैसे अपना हाथ लाऊंगा, ये देखिए मेरे हाथ को ही फोकस किया हुआ है, हाथ रिमूव करने के बाद भी ये अभी फोकस हो गया। तो फोकसिंग में थोड़ा इशू है, वीडियो में देखते हैं। फ्रंट देखते हैं,
उससे ये फोकस तो कर ले रहा है। पोर्ट्रेट चेक करते हैं, दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें पहले से तो इम्प्रूवमेंट किया गया है, पर फिर भी इसमें अभी भी बग है, अभी भी यह बग फेरी नहीं है। आप इसे अपडेट कर सकते हैं पर ये पूरी तरह बग फेरी नहीं हुआ, इसमें अभी भी थोड़ा बहुत बग है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करके जवाब दे दूंगा। दोस्तों इस पार्ट की वीडियो मैं Redmi Note 5 Pro से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी जो है बहुत काफ़ी पुअर हो चुकी है, काफ़ी ख़राब हो चुकी है। Xiaomi ने जो अपडेट दिया था उस अपडेट के बाद से इसका कैमरा का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी गिर चुका है, पर फोकसिंग ठीक ठाक है, पर जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले में जो MIUI 9.2.7.0 था उसमें कैमरा फोकस में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन ये जो नया बिल्ड आया है 9.2.13.0 इसमें फोकसिंग का इम्प्रूवमेंट हुआ है, फोकस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं।